अंबेडकर के दुश्मन भाग 6। अंबेडकर के भक्त ही कर रहे हैं भारतीय संविधान को खत्म। आपको क्या लगता है कि सम्राट अशोक का जो शासन गया, या सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध का संविधान अपने देश में लागू किया, पूरे भारत में लागू किया, और उस समय जो बृहद भारत बनाया और जिसका शासन और सुशासन इतना लाजवाब, इतना बढ़िया किया कि पूरे हिस्ट्री में उनके पोते तक एक भी विदेशी आक्रमण का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही कोई विदेशी हमला करने की हिम्मत हुई, ना ही अशोक के शासन में कोई भूखा मरा, ना ही अशोक के शासन में किसी को परेशानी हुई। वो सारे के सारे जो अस्पताल बनाए जानवरों के, मनुष्य के, जितने भी व्यापारियों के लिए जो धर्मशालाएं सराएं बनाई, जितने भी पुस्तकालय बनाए, जितने विश्वविद्यालय बनाए, जितने भी सड़क मार्ग बनाए, जितने भी प्याऊ बनाए, जितने भी लोगों की सुख सुविधा के केंद्र बनाए, जितने भी धर्मशालाएं या जितने भी आंगन या जितने भी विहार, जितने 84,000 वो किताब, वो स्तूप, वो स्तंभ, वो पगोड़ा, वो जितने भी चीज़ें बनाई, वो सारी की सारी, आपको क्या लगता है कि भारत में जो आए घुसपैठी हैं उन्होंने ख़त्म की? आपको क्या लगता है कि उस संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं या जो संविधान को ख़त्म किया है वो भारत में आए हुए घुसपैठियों ने किया है? जो लोग आपको ये पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि भारत के कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लगातार ख़त्म कर रहे हैं, या वो बार बार ऐसा कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान ख़त्म करेंगे, वो जितने भी लोगों को बताया जा रहा है कि बाहर के लोग या घुसपैठिए लोग या भारत के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको झूठ बताया जा रहा है। बाहर का कोई भी घुसपैठिया या बाहर का कोई भी व्यक्ति या बाहर का कोई भी आदमी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बुद्ध के शासन का, बुद्ध के संविधान का, या अशोक के संविधान का, या जो भारत का डेमोक्रेटिक संविधान है जो पूरे लोगों ने मिलकर बनाया है, उसको हाथ भी लगा सकें, उसका एक पन्ना भी बदल सकें, उसका एक अक्षर भी बदल सकें। ये बिल्कुल झूठ बात है। दरअसल भारत के संविधान को अगर कोई ख़त्म कर रहा है तो वो अंबेडकर भक्त ख़त्म कर रहे हैं। अंबेडकर भक्त मिलके पूरी जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जो ये संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको ख़त्म करके मानेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो संविधान में जब आग लगाई जाती है तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, मगर अलग अलग करते हैं। पहले अपना फोटो चिपकाते हैं, फिर वो इसका विरोध करते हैं। तो बेसिकली वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध के रूप में अपना फोटो भेज रहे हैं कि हम नेता हैं, देखो हमने विरोध किया। और सब लोग इकट्ठे होकर विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही इकट्ठे होकर आ रहे हैं। वो लोग इस संविधान को बहुत कम लोगों का घोषित करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ये संविधान विश्वव्यापी है, भारतव्यापी नहीं, विश्वव्यापी है, विश्व के लोग मानते हैं इसको। कैसे मानते हैं? क्योंकि इस संविधान से विदेश की नीति चलती है, इस संविधान से विदेशों में लोग जाते हैं, इस संविधान से विदेशों के लोग खुश होते हैं और इसकी कॉपी करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी अनुशंसा करते हैं। इस संविधान के तहत में भारत को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक गणराज्य होने का तमगा मिला हुआ है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए ये दुनिया की धरोहर है, दुनिया की प्रॉपर्टी है। मगर कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये कुछ चंद लोगों की प्रॉपर्टी और धरोहर है, तो बाकी लोग कहते हैं कि तुम ही बचाओ, तुम ही देखो इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सब लोग उसका क्रेडिट ले लेने के लिए, उसकी वाहवाही लेने के लिए कि देखो हम संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं, दसियों हजार ऐसे संरक्षकों के संगठन बना चुके हैं आप लोग, और आप इतने छोटे 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 टुकड़ों में बटे हुए हो कि अगर आपके सामने संविधान को जला दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय फेसबुक पर फोटो पहुंचाने के, या एक आध FIR लिखवा के उसका फोटो लगाने के कि देखो ये हमने FIR करा दी और इसका फोटो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो तो सम्राट अशोक ने जो संविधान भगवान बुद्ध का लागू किया था, बृहदत्त कभी खत्म नहीं होता। बृहदत्त को खत्म करने के लिए रणनीति अपनाई गई कि पहले जितने लोग थे बृहदत्त के शासन में उनको करप्ट किया गया, उनको करप्ट किया गया, उनको शराब पिलाई गई, उनको व्यभिचार कराया गया, उनको हत्या करनी सिखाई गई, उनको झूठ बोलना सिखाया गया, उनको
पाप करना सिखाया गया। उनको जितने भी पाप होते हैं पंचशील वाले, वो सारे उनसे हटाए गए, क्योंकि उस समय पंचशील का शासन चलता था, लोग बड़े समझदार थे, सच्चे थे, सच्चाई में बल होता है। तो उनके सच्चाई के बल को तोड़ने के लिए उनको शराब परोसी गई, उनको व्यभिचार परोसा गया, उनको झूठ बोलना सिखाया गया, उनको कत्ल करना सिखाया गया, ये सारी चीजें, उनको चोरी करनी सिखाई गई। जब वो कमजोर हुए तो सेना में करप्शन फैलाया गया, जो सेना थी लोगों में करप्शन फैलाया गया। जब लोग करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, तो लड़ने लायक बचे नहीं। तब बृहदत्त के पेट में तलवार मारी, और जब बृहदत्त के पेट में तलवार मारी तो भ्रष्ट लोगों में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ, और हुए भी होंगे तो अलग अलग, उनका कोई सुनता नहीं। ठीक ऐसे ही बाबा साहब का जो संविधान आपने घोषित कर दिया है, जो भारत का बेसिकली संविधान है, जो दुनिया का संविधान है, उस संविधान में बड़ी सारी ताकत होती है। मगर वो ताकत तब है जब लोग उस संविधान के अकॉर्डिंग व्यवहार करें और अपना चरित्र ऊंचा रखें, और उसमें जो संघ वाली बात है, संघ गणराज्य, यानी भारत एक संघ गणराज्य है, तो आप सबको संघ बनाना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आप इकट्ठे होकर अगर आवाज देंगे तो फिर संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हम तो संविधान बदलने आए हैं, हम तो संविधान बदलेंगे, वो बड़े ईमानदार और बड़े सच्चे हैं, वो कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। कोई स्टेटमेंट भी अगर आती है अखबार के अंदर तो वो बड़े ईमानदार और बड़े सच्चे हैं। मैं उनकी सच्चाई का और उनकी ईमानदारी का बहुत ज्यादा कायल हूं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो बता रहे हैं आपको। अगर आप में दम है, आप में समझदारी है, तो आप इकट्ठे हो जाइए, वो नहीं करेंगे। और आप में अगर समझदारी नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप आधे बुद्धिजीवी हैं, आपको अक्ल नहीं है, आपका ईगो ज्यादा है, आपने 10,000 संगठन बना रखे हैं, आपको नेतागिरी का शौक है, आपने प्रेसिडेंट बनने का शौक है, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, बाबा साहब के उस सिद्धांत को नहीं मान सकते जिसमें यह कहा गया है कि संगठित होना है। आप संगठित होने का मतलब समझते हैं कि लोग संगठित हों, आप संगठित होने का मतलब ये नहीं समझते कि सभी को संगठित होना है, उसमें आपको भी होना है। तो फिर संविधान को जो बदलने आए हैं या जो संविधान को अपने मुताबिक चलाने आए हैं, उनका राइट बनता है कि वो जैसे चाहे वैसे करें, क्योंकि आपकी तरफ से विरोध नहीं है, आपकी तरफ से नौटंकी है, आपकी तरफ से नाटक है, आपकी तरफ से फॉर्मेलिटी, आपकी तरफ से हाय हाय है, आपकी तरफ से ड्रामेबाजी है, आपकी तरफ से अपना फोटो लगा के दुनिया को ये बताने का है कि देखो मैं नेता बनने वाला हूं, मुझे नेता बनाओ। देखो संविधान जाने वाला है, तुम सोच लो, समझ लो, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो आ जाओ, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आओगे तो मैं नहीं बचाऊंगा। तुम पहले मुझे नेता मानो, पहले मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी पक्की करो, फिर मैं सोचूंगा कि संविधान को बचाना है या नहीं बचाना है। अगर इस सोच से नहीं निकलोगे तो जो लोग वो कहते हैं वो सच कहते हैं, ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बदल देंगे वो, क्योंकि उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। आप में दम है, आप में ताकत है, तो आप इकट्ठे हो जाइए, आप इकट्ठे हो जाएंगे तो मेजोरिटी में आ जाएंगे, तो मेजोरिटी की चलती है, फिर वो अपना जो मंतव्य है उसे वापस ले लेंगे, अपनी बात वापस ले लेंगे, जो मेजोरिटी में होगा उसकी बात मानी जाएगी। यही संविधान कहता है, यही प्राकृतिक नियम कहता है, यही दुनिया कहती है, यही नियम है, यही प्रकृति है, यही पक्ति है। धन्यवाद। Time.